नमस्कार दोस्तों, मैं रजेशमा शर्मा। आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। सो दोस्तों, आज का मेरा विषय बड़ा खास होने वाला है। सो बात ऐसी है कि 12 मात्रा की ताल सिखाने वाला हूँ। ताल है चौताल। सो बड़ी ताल है ये, ठीक है। और एक्चुअल में जो चौताल ताल है ये है पंखाबज और मृदंग की ताल है, और इसको तबले में कैसे बजाना है वो आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा फनकार नहीं, पर जितना है सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चौताल दोस्तों कुछ ऐसे है। धा धा दिन ता टिप धा दिन ता, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत्ता गति गन। तो ये बंद बोल में सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसको खुला बजाएंगे तो ऐसे बजेगा। धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत्ता गति गना, ठीक है। सो तबले के अकॉर्डिंग बंद बोलों में सिखाने की कोशिश करूंगा। ताल के बोले दादा दिनता किटदा दिनता तिटिकत गतिगन। धा धा दिनता किटता दिनता तिटिकत गतिगन। चौताल है। धा धा दिनता किटदा दिनता तिटिकत गतिगन। धा धा दिनता किटदा दिनता तिटिकत गतिगन। धा धा दिनता किटदा दिनता तिटिकत गतिगन। स्लो करके उतार रहा हूँ। धा धा दिनता किटदा दिनता तिटिकत गतिगन। इसको बजाना कैसे है देखो। धा धा ऐसे बजेगा। धा धा, ठीक है। दिन ता टी धा दिन ता टिट ता ग दी ग न, ठीक है। तो ये बंद बोलों में है। धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत्ता ग दी ग ना, ठीक है। धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत्ता ग दी ग ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। धा धा दिन ता किट धा दिन ता टिट कत्ता ग दी ग ना। बोल ऐसे है। धा धा ऐसे बजेगा, दिन ऐसे बजेगा, फिर ता ऐसे बजेगा, फिर की त, फिर धा, फिर ऐसे बजेगा दिन ता, फिर की त, ता ग, घसीट देना दी ग ना। अब खुले बोलों में सिखाऊंगा। धा खुले बोल है। धा धा दिन ता पिट धा दिन ता पिट कत्ता गदी गना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। धा धा दिन ता पिट धा दिन ता पिट कत्ता गदी गना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। धा जोड़ के जाएंगे। धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत्ता गदी गना, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत्ता गदी गना। बंद बोलो में। धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत्ता गदी। तो दोस्तों ये था चौताल। 12 मात्रा की ताल थी, 6 विभाग है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी कोशिश पसंद आएगी। कहीं गलत सिखाया हो तो माफ़ करना। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।